केस भैया आप एक चीज बताएं कि आप तैयार कर रहे हैं रासायनिक से छोड़ करके ऑर्गेनिक पे आए हैं, तो आपने पिछले साल भी तैयार किया था, पिछले साल का सिस्टम आपका बिकने क्या क्या था? यहाँ से लोग आप मंडी ले जाते थे या दुकानदार ले जाते थे? क्योंकि आपने एक बात कही थी कि दुकानदार स्वयं हमारे यहाँ से ले जाते हैं। सर दुकानदार ले जाता था हमारे यहाँ, सर बार बार कहते थे हमें इसी खेत का केला चाहिए। अच्छा एसी वालों पे जब आया था वो लोग बोले कि मतलब हमें उसी खेत का केला लाके दी। अच्छा तो कुछ एसी में भी भेजा था जो आपने डायरेक्ट? जी सर। उसके बाद जो व्यापारी ले गए थे वैसे वो डायरेक्ट तो ले जाते थे। हाँ हाँ। तो नमस्कार, मैं जयप्रकाश सिंह आपके देसी खेती जुगाड़ चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। किसान भाइयों, आज हम केले की खेती पे आए हैं। केले की खेती हमने बहुत सारी देखी, लेकिन जो इनकी तकनीक है, जो इनकी तकनीक रही हमारे पंडित जी की, इन्होंने जिस तकनीक से खेती की और जितना कम खर्चे में इस खेती को इन्होंने कर लिया है, वो एक हमारे किसान भाइयों के लिए एक सबक बनता है, एक मिसाल बनती है। और इसी के कारण आज इनकी वीडियो मैं शूट करने आया हूं कि हम पंडित जी से पूछना चाहते हैं कि भाई ये राज क्या है कि आपने इतना कम खर्चा किया है और इतने कम खर्चे में इतना अच्छा रिजल्ट है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी बिल्कुल प्राथमिक स्टेज में ये हमारा फल जो है तैयार है। अभी यहाँ पे इसके लिए काफी कुछ इन्होंने करना है, मान के चलिए अभी कम से कम 10 रुपए पेड़ अभी खर्चा इनका लमसम अभी आएगा, जहां तक मेरी उम्मीद है। मैं बात करता हूं किसान भाई से। तो सर आप आइए हमारे पास थोड़ा सा। सर आपका हमारे चैनल देसी खेती जुगाड़ में आपका स्वागत है। सर आप अपना पहले छोटा सा परिचय दीजिए, फिर आगे आपसे बातचीत करते हैं। मेरा नाम राकेश कुमार पांडे है जी। ग्राम सब मेरा पूरी धना है जी, जिला प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। नंबर सर का ऊपर चल रहा है, कोई चीज पूछना चाहे कभी तो पूछ सकते हैं। सर एक चीज आप बताएं, मैंने जैसे कि आपका पूरा बगिया सर्वे किया, मैंने देखा सबकी हर मतलब जो क्या बोलते हैं हम कह सकते हैं जो घवत की जो साइज है लगभग लगभग सबकी एक साइज में, पहली चीज। दूसरी चीज हम पेड़ देख पा रहे हैं, सूरज जी थोड़ा दिखाइए पेड़ को, दिखाइए यहाँ से, लगभग हर पेड़ की भी साइज जो तने की साइज जो होती है वो भी एक्यूरेट है। तो इसका राज क्या है सर? और जैसा कि आपने मुझसे बताया था कि फोन पे की CVR तकनीक पे आपने किया और बलराम किसान के तकनीक पे किया है, तो सर थोड़ा सा आप ये बताइए कि CVR तकनीक आपने कैसे इस्तेमाल किया, क्या क्या इसमें करते? सर देखिए हमने इसमें मिट्टी का स्प्रे ज्यादा किया है जी। तो सर मिट्टी सर, कितने फीट गड्ढा खुदवा दिए जी, और उसको नीचे से ऊपर तक 20 किलोमीटर, मतलब ऊपर से लेकर के नीचे से तक काटा, 20 किलो मिट्टी लिया और एक ड्रम में 200 लीटर पानी में डाल दिए। अच्छा सर। फिर इसको मतलब 2 दिन रख दिए जी, बीच बीच में इसको चलाते रहे जी जी। और उसमें सर और भी कुछ मिलाया? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, केवल मिट्टी, केवल मिट्टी। तो सर अगर आपने उसका स्प्रे कितना लिया? सर एक डिब्बा लेते थे जितना पड़ता था सब पे मारते जाते थे, मतलब 200 लीटर को आप 15 लीटर टंकी में सीधे। नहीं सर देखिए हम ऐसा नहीं था, हमारे पास पावर टिलर था। हाँ हाँ। उसमें हमारा स्प्रे वाली मशीन लगी हुई है। अच्छा 200 लीटर सीधे उसी में यूज करते थे पूरे पेड़ पे। सर यहाँ पे है क्या पावर टिलर? चलिए उसको दिखाते हैं सर, उसको दिखाते हैं, आइए थोड़ा दिखाते हैं। ये देखिए हमारे पास पावर टिलर है जी जी। तो ये सर स्प्रे मशीन आपका कहाँ यहाँ चलता है? स्प्रे मशीन ही है। अच्छा ये यहीं पे आप खड़ा करके रखते हैं? जी बस एक जगह जी। यहाँ ड्रम में आपने मिट्टी ये देखिए घुला भी हुआ दिखाई दे रहा है, तो अभी खत्म हो चुका है मिट्टी। तो सर एक चीज बताएं, ये जो आपने स्प्रे किया मिट्टी, तो कितना खर्च आ जाता है एक बार पूरा 3,000 पौधों में आपका? सर बस वही केवल 1 लीटर तेल, वही लेबर, 1 लीटर डीजल, डीजल उसके बाद जो लेबर होंगे वो अपना छिड़कते चले जाते हैं। तो सर जैसे आपने खर्चा किया, आपने सब कुछ कहा कि आपने मिट्टी स्प्रे किया है और बलराम किसान के द्वारा आपने खेती की है, तो इसका ओवरऑल एक पौधे के ऊपर आपका क्या बजट गया सर? लगभग 40 रुपए, मात्र 40 रुपए। असलम भाई साहब आप थोड़ा सा पूछना चाहूंगा, आप भी देखिए बहुत अच्छी खेती करते हैं सर, तो आप ये बताइए जो बता रहे हैं सर ये कहां, मेरे गले से तो हजम नहीं हो रहा सर कि 40 रुपए में ये पौधा जो तैयार है इनका,
जो इसकी पेड़ी दिख रही है, तो मेरे हजम नहीं हो रहा सर, ये कैसे संभव है? अक्सर जो 40 रुपए बता रहे हैं, लगभग इसमें लेबर का सब पूरा इंक्लूड करके 40 हुआ है, और तो मुश्किल से मेरे ख्याल से खाद का सर, जैसे कि हमारी आपकी बातचीत होती है, हम आपसे बीच बीच में डिस्कस करते रहते हैं, आपने हमको बताया था कि भैया 80 से 85 रुपया मिनिमम जो है इसका खर्च आता है। एक्चुअली ये टोटल फास्फोरिक और सल्फोरिक एसिड पे काम किए हैं जी। जिस जगह पे हमारा एक बोरी डाई लगता था और एक बोरी पोटास लगता था जी, उस जगह पे 10 किलो डाई और 6 किलो पोटास, मतलब यहाँ 5 गुना आपका कम हो गया सीधे ये पे। और सल्फ्यूरिक एसिड जो है, सल्फ्यूरिक एसिड 30 रुपए किलो है, फास्फोरिक एसिड जो है 90 रुपए किलो। अच्छा, 1000 पेड़ में 1 किलो, बहुत मतलब 3 किलो इधर डालना है बस, इतना बहुत है 3 किलो टोटल एक बार में, 1000 पेड़ में 1 किलो, 1000 पेड़ में 1 किलो या 1.5 किलो बस जी जी, 1 से 1.5 किलो बस जी, 1 किलो बहुत। तो अगर सर जैसे आपने किया है, अब हम देख पा रहे हैं कि थोड़ा सा आगे दिखाते हैं, आगे अंदर आइए, हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जो आपके केचुओं की संख्या है, सूरज थोड़ा इधर दिखाइए, आप देखिए किसान भाइयों यहाँ पे इनकी मिट्टी में देखिए, ये नेचुरल देखिए, ये केचुओं ने इसको जो है बीट किया हुआ है, मतलब आप ये समझिए कि आप कुल मिला के आप प्राकृतिक खेती आप कर पाए। ओपन डाई यूरिया नहीं, पोटास नहीं जी 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 जी, डाई यूरिया पोटास पड़ा ही नहीं है, ऊपर नहीं डाले हैं बिल्कुल। तो जो आपने कहा कि सल्फ्यूरिक एसिड या फास्फोरिक एसिड के साथ में जो डीएपी आपने डाला है, तो ये ड्रिप के द्वारा चलाया गया, कम्प्लीट तो ड्रिप के द्वारा पौधे को मिल जाता था, हम ऐसे बाकी जमीन में हम नहीं डालते हैं नहीं। तो अगर केचुआ हटेगा भी तो बस केवल पाइप के पास से थोड़ा बहुत हट सकता है, अगर वहाँ पे डाला हुआ तो 200 लीटर पानी में 10 किलो डाई, 1 किलो फास्फोरिक एसिड जी, 200 लीटर पानी में 4 घंटे में चाह रहा है, 4 से 5 घंटा लग रहा है जाने में, धीरे 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 धीरे, तो अच्छा। कहां से केचुआ, क्या फर्क, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जी। तो किसान भाइयों यहाँ पे जैसे हमारे पंडित जी ने सबसे बड़ी बात ये बताई है कि आज के समय में मैंने देखा है और लोग कर भी रहे हैं कि लगभग रासायनिक खेती ही केले की कर रहे हैं। यहाँ पे आपने एक मिसाल जो दिया है किसानों को, इसको आपसे सीखना चाहिए, रासायनिक युक्त जी, रासायनिक युक्त केला है और इसका स्वाद भी देखिएगा डिफर आएगा, जहां तक मैं जानता हूं, क्योंकि जब आपको रसायन नहीं पड़ता है तो उसका स्वाद, हम चाहे गेहूं हो, धान हो या कोई भी फसल हो, वहां पे मिलता है। तो सर आप किसान भाइयों को हमारे क्या बताना चाहेंगे कि कितना खर्च टोटल, 3 जो आपका आया तो कितना आ जा रहा है सर, 3000 पेड़ में 1,20,000 टोटल, 1,20,000 लेबर लेकर के कंप्लीट खर्चा जी जी। तो किसान भाई यहाँ पे आप देखिए कि 40 रुपए में जहाँ पे 80-85 होता था, आपने आधा कर दिया इसका। अब यहाँ पे ध्यान ये देना, जो हमारी फसल तैयार है इसके लिए आप क्या सोच रहे हैं सर कि हम इसमें क्या करेंगे, क्यों किसान भाई इस पे सवाल उठाएंगे आपसे कि सर अभी जो फल है आपका इसकी साइज भी बढ़ाना है और आप रासायनिक नहीं करके आए हैं, तो आप सर अगर... मिट्टी का ही स्प्रे कर रहे थे इस पर जी जी, अभी जो किया मिट्टी, हाँ, ही केवल मिट्टी का नहीं, मिट्टी का कर रहे थे, लेकिन सर अभी इसके लिए तो जरूरी है, इसको बढ़ाना पड़ेगा हमको, तो बढ़ाने के लिए आप क्या डालना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? अगर डाल पाए तो अभी भी मिट्टी ही सब कुछ अच्छा है, अगर अच्छा, अभी भी अगर डाले हैं केवल मिट्टी ही डालें, बस मिट्टी डालें, इसमें कोई फंगस नहीं आएगा? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, एकदम साफ सुथरा, आप नजदीक से दिखाइए सर, कोई भी केला जो है, कोई भी फल ऐसा नहीं है जिसपे कि कहीं भी कोई रोग या मतलब कहीं दाग या धब्बा दिखाई दे रहा हो, बिल्कुल साफ सुथरा एकदम दिख रहा है जी। बंद कर, राकेश भाई साहब आपने जो बताया हमको बहुत अच्छा लगा, आपने आपके पास चूंकि पावर टिलर था तो आपने स्प्रे किया, उसमें आपका लेबर कास्ट मुझे पता चला कि उसकी वजह से थोड़ी सी कम आई है, अगर मशीन पे पीछे लाद करके हम छिड़काव करते हैं तो वो थोड़ा सा ज्यादा, सर ज्यादा से ज्यादा 3 घंटा या 4 घंटा बस पूरे में अपना हो जाता है, तो अगर 2 लेबर भी लगाएंगे सर तो बहुत ज्यादा ज्यादा 4 × 2 = 800 रुपए 1200 रुपए में हो जाएगा। सर अभी हम देख पा रहे हैं ये देखिए कि चौकोर सी साइज है ये, तो ये क्या साइज ऐसी ही रहेगी या इसमें कुछ करेंगे आप, तो उसके बाद में इसमें तो करेंगे, क्या करना पड़ेगा? ये ताउस डालना चाह रहे हैं। अच्छा, ये लाइवा कंपनी का ताउस आप डालना चाह रहे हैं जो कि GA7, हाँ उसका जो GA7 क्वालिटी है, नैनो क्वालिटी टेक्नोलॉजी पे काम करता है और ये बहुत अच्छा मतलब इसका साइज आने वाला है। तो सर अभी जैसे कि आप हम देख पा रहे हैं ये 25 के समथिंग इसका वजन होना चाहिए, तो ये क्या इसकी साइज कितनी आएगी, कितना? हमारे हिसाब से तो आधा हुआ है, आधा भी बढ़ेगा, अभी आधा, तो ये लगभग हमारा 50 किलो तक का जो है एवरेज लेके जाएगा ना।
तो सर अगर 50 किलो का एवरेज जाता है तो 3000 पेड़ हैं आपके और सारे पेड़ जिंदा हैं। सबसे बड़ी बात है सारे पेड़ आपके जिंदा हैं। अब इनकी बधाई आप थोड़ा सा ढंग से करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देख के जाने वाले हैं। तो क्या आपने एक्सपेक्ट किया है सर, कितना आपको मिल जाना चाहिए इसमें लमसम, क्योंकि किसान भाई ये चीज जरूर जानना चाहेंगे। सर देखिए रेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर चलिए मैं सबसे कम 10 रुपए रेट मानता हूँ सर। हाँ तो सर लगभग आप समझिए कि 3000 पेड़ है जी 50 किलो का, नहीं 50 नहीं सर 30 या 35 औसत। अच्छा हाँ कोई छोटा बड़ा 35 मान लेता हूँ सर। तो हमारा अंदाज है कि 300 रुपए के हिसाब से आ रहा है तो 8-9 लाख के लगभग चला जाएगा। तो किसान भाइयों जैसा कि आपने देखा राकेश सर ने हमने हमारे बताया इन्होंने कि इसमें क्या इनको मिलने वाला है। सर टाइमिंग इसकी जो है लगभग आपकी पहली फसल में कितनी आई है, आपकी हार्वेस्टिंग तक की टाइम कब लगाया था? सर हम 10 अगस्त को लगाए थे पिछली साल 10 अगस्त को, इसी साल 10 अगस्त को लगाया था जी पिछली साल जो चल रहा था ना। तो अभी जो आने वाला अगस्त 1 साल हो जाएगा तो आप क्या सितंबर में इसकी हार्वेस्टिंग कर पाएंगे? उससे पहले हो जाएगा, मतलब कुल मिला के 12 से 14 महीने 13 महीने के अंदर हो जाएगा। किसान भाइयों देखिएगा कि यहाँ पे ये फसल अगर आप लगाते हैं तो यहाँ पे आप कितना फायदा कितना घाटा किस टेक्निक से करते हैं। हमने बहुत सारी वीडियो डाली हुई है, वहाँ पे उन्होंने रासायनिक खेती की है और यहाँ पे सर ने जैविक खेती की नेचुरल। ये मैं आपको यहाँ पे सर कह के जा रहा हूँ कि आपके जो केले का जो स्वाद आएगा वो आपको मैटर करता है आपके रेट के ऊपर, और जब ये लोग लेने लगेंगे तो आपका रेट अपने आप जो है धीरे धीरे चढ़ने लगेगा। मैं आपको बोलूंगा सर इस जगह पे कि आप अपना जल्दीबाजी मत करिएगा, थोड़ा आराम से रुक करके एहसास करा के कि मेरा फल क्या है रेट लीजिएगा। किसान भाइयों वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और जो हमारे नए व्यूवर्स हैं जो अभी पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही बहुत सारी वीडियो मैं देता रहूंगा। आगे फिर मिलता हूं आपको अच्छी वीडियो में। नमस्कार, जय जवान जय किसान जय विज्ञान।